एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है जिसका आपने आलेख ड्रॉ करना है। तो दूसरा रैखिक समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ से अगर मैं मान लो कि एक्स की वैल्यू निकालूं तो वाई दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं इस माइनस वाई को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस वाई प्लस 2। तो ये समीकरण नंबर 1 आ गया है और इस पर बेस्ड हम वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये सारणी आ जाएगी एक्स और वाई के लिए, तीन वैल्यू आप निकाल लो। एक तो एक्स बराबर, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू पुट करनी है, तो इस बार आप क्या कर सकते हो y की वैल्यू रख सकते हो। जैसे y की वैल्यू 0 रख लें, y की वैल्यू 1 रख लें और y की वैल्यू 2 रख लें। तो समीकरण 1 से x की वैल्यू आ रही है y प्लस 2। तो अगर y की वैल्यू ले लें 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 2 है। तो इट इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की अगर रख लो 0, 0 प्लस 2 यानी कि 2 आ जाएगी, क्योंकि 0 प्लस 2 2, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई है। इसी तरीके से वाई बराबर 1 रख लें तो एक्स बराबर वाई प्लस 2 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, वाई की वैल्यू अगर 1 रखें तो 1 जमा 2 यानी कि 3। तो एक्स की वैल्यू आपके पास मिल गई है 3, एक्स की वैल्यू आपको मिल गई है 3। और उसी तरीके से अगर y बराबर 2 रख लें तो x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर y प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 2, तो ये आ गई 4। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 4, तो y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4 है। तो आपके पास ये 4 पॉइंट आ गए हैं, 2.0, 3.1 और 4.2। तो x की सबसे बड़ी वैल्यू है 4, तो x की वैल्यू हमें 4 तक चाहिए, तो एक पॉइंट और ले लें तो ये 4 तक हो गई है। और y की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक चाहिए तो वो हमने ज़्यादा ले ली है, ज़्यादा का नुकसान नहीं है और लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो x 2 पे y 0, x 2 है और y 0 ये है, तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा, x 2 है और इसके सामने y की वैल्यू क्या है 0। तो ये वाला पॉइंट हो गया 2.0, ये पहला पॉइंट। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है 3.1, एक्स 3 पे y 1, एक्स 3 ये वाला और y 1 ये वाला पॉइंट, ये y एक्स है। तो y एक्स पे आपको चाहिए 1 और x एक्स पे चाहिए 3। तो x एक्स पे जो 3 है 3 से सीधी रेखा ले जाओ, और y एक्स पे 1 है 1 से सीधी रेखा ले आए दानेदार डॉटेड, तो ये यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये पॉइंट हुआ 3.1। तीसरा पॉइंट है 4.2, एक्स 4 और y 2। तो एक्स 4 ये है और y 2 ये है, तो एक पॉइंट ले आओ, एक सीधी रेखा ले जाऊँ मैं 4 से और एक सीधी रेखा ले जाऊँ मैं 2 से एक्स अक्ष के समांतर, तो जहाँ पर मिल गई है वो वाला पॉइंट मेरे पास हुआ 4 और वाई कोऑर्डिनेट हुआ, वाई निर्देशांक हुआ 2। अब इन तीनों बिंदु को मिला लें तो आलेख बन जाएगा। तो ये एक सीधी रेखा जाएगी इस प्रकार से, तो ये आलेख मेरे पास बन गया किसका, दूसरे पार्ट का, एक्स माइनस वाई बराबर 2 का आलेख।